इसराइल और गाजा के बीच लगातार हमले जारी हैं। जी हां, इसराइल ने बुधवार को गाजा में हमास के ठिकानों पर हवाई हमले किए। सेना ने गाजा पट्टी से इसराइली क्षेत्र में रॉकेट दागे जाने के जवाब में यह हमले किए। जी हां, इसराइली सेना ने कहा कि दक्षिणी गाजा पट्टी में इन हवाई हमलों में हथियार बनाने वाली एक इकाई समेत हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हर हमले का सख्ती से जवाब देने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद यह हवाई हमले किए गए। जी हां, इजरायली बलों और फलिस्तीनी आतंकवादियों के बीच लगातार दो दिनों तक चले संघर्ष का जिक्र करते नेतन्याहू ने एक बयान में कहा था कि अगर गाजा में किसी को लगता है कि वह ऑपरेशन ब्लैक बेल्ट के खिलाफ अपना सिर उठा सकते हैं तो यह उनकी गलत फहमी है, क्योंकि सेना ने मंगलवार को कहा कि गाजा पट्टी से इजरायली क्षेत्र में दो रॉकेट दागे गए थे। सप्ताह में रॉकेट दाग कर संघर्ष विराम तोड़ने की यह दूसरी घटना थी। जहां इसराइल ने मंगलवार को एक अभियान में इस्लामी जिहाद के एक सर्वोच्च कमांडर की हत्या कर दी थी। इस हमले के तुरंत बाद इस्लामी जिहाद द्वारा इसराइल में सैकड़ों की संख्या में जवाबी रॉकेट हमले किए गए। इसके बाद इसराइली सेना ने हमले किए जिसमें 16 आम नागरिकों समेत कुल 34 लोग मारे गए थे। इसराइल की एयर स्ट्राइक में उत्तरी गाजा में बहा अबू अल अता मारा गया था। इसराइल के रक्षा विभाग के मुताबिक आतंकी अता कई बड़े हमलों की योजना बना रहा था। वर्ष 2007 से अनौपचारिक संघर्ष विराम के कारण महीनों तक शांति बनी हुई थी। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।